अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक, उसकी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। हमने अभी तक जो 9 तक किया है क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम किया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, इसे हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन है उससे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे रिमाइंडर थ्योरम से करवाऊंगी, फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि उसके बाद 12 के बाद जो क्वेश्चन है वो सिंथेटिक डिवीजन वाले हैं। तो उन्हें मैं सब सिंथेटिक डिवीजन से करवाऊंगी, जिसमें आप लोगों को मेथड समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आप लोग अगर चाहे तो ये क्वेश्चन जो है वो भी सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन x² + 2x³ + 3x² + 3 के एक्स स्केयर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये वाला पॉलिनोमियल जो वो डिवाइडेड बाय है एक्स माइनस 2 पे, सेकंड पॉलिनोमियल पे, द रिमाइंडर इज 1। फाइंड वैल्यू ऑफ के, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पॉलिनोमियल है, इसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्केयर प्लस 3। ठीक हो गया। अब जिस पे इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 है, तो उस सेकंड वाले पॉलिनोमियल को हम लेंगे, एक्स माइनस 2 को इक्वल रखेंगे एक्स माइनस ए के। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। एफ ऑफ 2 इक्वल, हमने हमारे पास रिमाइंडर, उन्होंने क्या बोला, रिमाइंडर इज़ 1, किसका रिमाइंडर जो है 1 बचता है। तो एफ ऑफ 2 मतलब अगर हम इसमें एक्स के का 2 पुट करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, 1। तो हम एफ ऑफ 2 इक्वल 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। 0 तब लिखते जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या उसका फैक्टर होता है, अदरवाइज हम उसे जो बाकी बचना है उसके इक्वल लिखेंगे। आप लोग वैसे जैसे पहले सॉल्व करते हैं, 2 पुट करके सॉल्व करें, जो आंसर है उसे 1 के इक्वल रख ले या स्टार्ट से 1 के इक्वल रखते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 1 लिखेंगे, 1 की पावर 4 प्लस 2 1 की पावर 3 प्लस के 1 की पावर 2 प्लस 3, ये हो गया। अब इक्वल 1 लिख लिया, ठीक हो गया। अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे, वैसे ही छोड़ दें, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। 1 की पावर 4 1 आ गया, प्लस 2 की पावर 3 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, प्लस 1 की पावर 1 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे k आ गया, प्लस 3 वैसे आ गया, 1 और 2 3, 3 और 3 हमारे पास आ गया 6 प्लस k। इतना करने के बाद आप एफ ऑफ 2 इक्वल 1 लिख लें, और ये 6 प्लस के इक्वल 1, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या आ गई, -5। ऐसे भी कर सकते हैं, या स्टार्ट से इसे इक्वल 1 के रखते आए, तो तब ये नहीं लिखना पड़ेगा, के 6 उधर जाके माइनस हो गया और के की वैल्यू क्या आ गई, -5। इस तरह भी कर सकते हैं, आप लोग की अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर लें। इक्वल हमेशा उसी के रखना है जो हमारे पास रिमाइंडर होगा। ठीक हो गया। चाहे वो इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसे उसके 1 के इक्वल रख रहे, चाहे स्टार से इसे 1 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, 11 को भी हमने ऐसे ही करना है। फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल जो हमें दिया गया, इसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x² + kx + 4। ठीक हो गया। अब सेकंड हमारे पास क्या दिया गया, x माइनस 2। x माइनस 2 को किसकी इक्वल हमने रखना है, हमेशा x माइनस ए के इक्वल रखना है। x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस, तो a इक्वल क्या आ गया, 2। तो हमने क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 पुट करना है, मतलब f ऑफ 2 लिखेंगे इक्वल, रिमाइंडर इसका क्या है, इस 14, तो इक्वल 14 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें, 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने x माइनस 1 लिख के कर लिया, x माइनस 2 था। ठीक हो गया। इसे दोबारा क्या करती हूँ, 10 वाले क्वेश्चन को पहले, अब 11 वाला देख लें। 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस के इंटू 2 प्लस 4 इक्वल 14। 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 की पावर 2 4, 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के प्लस 4, ये इधर ले आओ, माइनस 14 इक्वल 0। 8 और 8 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 20 में से 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 6 प्लस 2 के इक्वल 0। 2 के 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, के 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो के क्या आ गया हमारे पास, -3।
ठीक हो गया, k की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री आ गई, हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया। फिर से एक बार देखिए, ये पॉलिनोमियल हमने इसे एफ ओ एक्स लिखा, फिर सेकंड जिस पे डिवाइडेड बाय है वो क्या है, वाई माइनस टू था, तो हमने एक्स माइनस टू था, हमने एक्स माइनस टू को इक्वल लिखा एक्स माइनस ए से, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई टू। तो फिर इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स मिलता वहाँ वहाँ हमने टू पुट कर दिया और इक्वल 14 के रहा, क्योंकि रिमाइंडर जो इसका था 14 था, और इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास k की वैल्यू होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाती हूँ, उसमें वो मैंने गलती से 1 पुट कर दिया, 2 पुट होना था। क्वेश्चन नंबर 10, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स की पावर 2 प्लस 3, ठीक हो गया। अब एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस टू को किसकी इक्वल लिखना है, एक्स माइनस ए के, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ए इक्वल किसके आ गया टू के। अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू लिखना है, एफ ऑफ टू इक्वल किसके रखना है इसे, वन के, ठीक हो गया। अब यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू लिखेंगे, टू की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस के इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इक्वल 1, 2 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो होती है हमारे पास आती है 8, 8 टू 16 प्लस 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के आ जाएगा प्लस 3, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल 0, 16 32, 32 में 3 ऐड करेंगे 35, 35 में से 1 माइनस करेंगे 34 प्लस 4 के इक्वल 0, 4 के 34 उधर जाके माइनस हो जाएगा 34, k जो है 4 जो है उधर जाके 34 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -17/2, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमारे दोनों हो गए हैं। आगे हम क्वेश्चन जो है 12 जो है उससे जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा, सिंथेटिक डिवीजन वाला होगा, तो इसलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हाफिज़।